शराब ठेकों से बेची गई मौत, 31वें दिन 30 माफिया पर चार्जशीट। विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने शुरुआती बिसरा रिपोर्ट में जहरीली अल्कोहल की पुष्टि करते हुए साफ कर दिया कि मौतें जहरीली शराब से ही हुई थी। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में 109 मौतों के बाद अवैध व जहरीली शराब सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस को बड़ा सबूत मिला। विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने शुरुआती विसरा रिपोर्टों में जहरीली अल्कोहल की पुष्टि करते हुए साफ कर दिया कि मौतें जहरीली शराब से के पीने से हुई थी। हालांकि अभी और रिपोर्ट आना बाकी है, मगर अब तक मिली रिपोर्टों को आधार मानकर पुलिस ने सिंडिकेट के 30 मुख्य सदस्यों के खिलाफ मौत से जुड़े 8 मुख्य मुकदमों के चार्जशीट दाखिल कर दी है। कुल मिलाकर शराब कांड में 31वें दिन 30 माफिया के खिलाफ कार्रवाई का ये सबसे बड़ा कदम है। शासन व डीजीपी मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब प्रकरण में अब तक 29 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें लगभग 80 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में 8 मुकदमों में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाई गई है, जिसमें 30 अभियुक्तों को चार्जशीट किया गया है। और इसमें जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है उसको बड़ी ही बारीकी, बड़ी ही जटिलता और व्यावसायिक दक्षता के साथ करते हुए लैब रिपोर्ट्स पुलिस द्वारा प्राप्त की गई हैं, जिसमें इस शराब का जहरीला होना पाया गया है। साथ ही जो QR कोड्स थे, बार कोड्स थे, उनको भी नकली पाया गया है। और इसके अलावा जो विभिन्न बयान थे वो पुलिस द्वारा दर्ज किए जा चुके हैं। और इन सभी साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न धाराएं, जैसे IPC की 272, 273, 307, 304, इसके अलावा 420, 467, 468 एवं 461, और साथ ही आबकारी अधिनियम की धारा 60A, 61 और अन्य इस तरह की धाराओं में विभिन्न अभियुक्तों को चार्जशीट किया गया है। यह भी बता दें कि इसमें प्रमुखता से जो इनामिया अपराधी थे, जैसे कि ऋषि शर्मा, इसका भाई मुनि शर्मा, इसके अलावा प्रमुख अभियुक्त अनिल चौधरी, और साथ ही जो अन्य तस्कर और सरगना थे जैसे विपिन यादव, और इन सभी को पुलिस द्वारा चार्जशीट किया गया है। लगभग सभी जो प्रमुख अभियुक्त हैं उनको चार्जशीट किया जा चुका है।